दूसरे दिन भी चला आरोपियों की संपत्ति पर मामा का बुलडोजर। शुक्रवार 25 मार्च को प्रशासन ने पिगडम्बर हत्याकांड के आरोपियों के मकान को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी मुहिम चलाई। इसके पूर्व भी गुरुवार 24 मार्च को गुजरखेड़ा स्थित देवपुरी कॉलोनी में मकानों को ध्वस्त किया गया था। महू SDM अक्षत जैन ने बताया कि यह कार्रवाई नियम के तहत की जा रही है। जो कि शासकीय संपत्ति पर कब्जा किया गया था उन्हें मुक्त किया जा रहा है। दरअसल अक्षत जैन ने बताया कि करोड़ों रुपए की शासकीय संपत्ति पर कब्जा किया गया था जिसे मुक्त करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संपत्ति से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी जिसे एक टीम बनाकर चिन्हित किया गया है। इस दौरान हमें जहां जहां सबूत के तौर पर मिलते जाएंगे उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा। देखिए, दिनांक 23 मार्च को जो पिगडम्बर में हत्या मामला हुआ था उसके संबंध में शासन के सख्त निर्देश थे कि जितने भी आरोपी हैं उनकी सारी अवैध संपत्ति चिन्हित कर उनको नष्ट किया जाए। तो उसी संबंध में 24 तारीख की सुबह से ही हम लोग इस कार्रवाई में जुट गए थे। जितने भी आरोपी हैं उनके हमने सबके प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की। कल जो है हमने मुख्य आरोपी लोकेश वर्मा और राकेश डॉन की जो है 5 संपत्तियों को तोड़ा था, जिसमें से एक मैरिज गार्डन और 2 जो है 3 मंजिले मकान मुख्य रूप से शामिल थे। आज जो है हमने अगेन इस कार्रवाई को कंटिन्यू करते हुए 5 और अलग प्रकार की संपत्ति तोड़ी हैं गुजरखेड़ा में। इसमें से सबसे पहले तो जो 2 और आरोपी हैं मन्नू और अंकित वर्मा, उनके अवैध मकान को हमने तोड़ा है। उसके बाद जो राकेश डॉन का एक साथी है धर्मेंद्र, जो उसका भतीजा और साथ में महू थाने में लिस्टेड गुंडा है, उसका भी अवैध मकान हमने अभी तोड़ा है। साथ में राकेश डॉन द्वारा जो है अवैध व्यवसाय जो कार्य चल रहे थे उनके लिए जो संपत्ति यूज़ की जा रही थी, अवैध व्यवसाय से तात्पर्य अवैध शराब बेचना, अवैध तरीके से सुअर पालना, इन सब की जो संपत्ति थी उसको भी हमने नष्ट किया है। इसके अतिरिक्त जो है इसके द्वारा क्या किया गया था कि डिफेंस लैंड पे कई मकान बना के उनको किराए पे दिया जा रहा था, अवैध रूप से वसूली की जा रही थी, तो उनको भी हमने जो है आज नष्ट किया है। साथ में इसकी जो है और भी एक चौराहे पे दुकान थी जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में थी, उसको भी हमने आज डिस्ट्रॉय किया है। तो कुल मिला के 2 दिन के अंदर हमने 10 से अधिक आरोपियों की संपत्तियों को डैमेज कर पूरी तरीके से नष्ट किया है। ये सब की सब संपत्ति जो है अवैध संपत्ति थी, अवैध रूप से निर्मित की गई थी और जो है इनमें अवैध रूप से व्यावसायिक प्रयोजन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन सब की वैल्यू लगभग 20 से 25 करोड़ के आसपास है जो टोटल हम 10